आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं इंग्लिश का पेपर। दोस्तों आपका जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है 7 अक्टूबर 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है और दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दोस्तों इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यह पूर्णांक होने वाला है 75, मतलब 75 अंकों का यह पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला है 3 घंटे का, पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए से रीडिंग, या पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा, इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों आपको इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में इनके सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहले का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1789 इसमें आ जाएगा। दूसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है, दूसरे में दोस्तों आपका बी वाला राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर पहला वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौथे में दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपके पांचवें में कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, तो पांचवें में दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिससे दोस्तों आपके 5 नंबर इस पेसेज का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यदि दोस्तों आपको फिर भी समझ में नया दोस्तों, तो इनका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आप रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लगा लीजिए, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है इस पैसेज का हमारा, तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों ये प्रोफेशनल आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, आप चौथा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो चौथे में दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, तो चौथे में दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है, डी वाला दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देख लिया, 5वें क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड डिस्कवर। दोस्तों आपको डिस्कवर का आपको नाउन बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, इसका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर डिस कवरी आ जाएगा, ठीक है, दोस्तों आपका इसका आ जाएगा डिस्कवरी आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों आपको और इस वीडियो के लास्ट में अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लिया, आपका सेक्शन बी दिया है राइटिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोन नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, ठीक है, टाइटल के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है, नोट्स के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समरी बनाना है, ठीक है, इसका आंसर भी दोस्तों आपको अच्छी तरह से दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है, नोट्स के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समरी लिखना है, इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, यहाँ पर समझ लीजिए, यू आर निशिक
कैराओ स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आपको एक एप्लीकेशन याद करना है। तो दोस्तों इसका आंसर भी, दोस्तों इस एप्लीकेशन का आंसर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन याद करना है, लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप इसके अतोले क्वेश्चन को करना चाहो दोस्तों, तो इसका आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर इसके यहाँ पर क्वेश्चन फोर का यहाँ पर आंसर निकाल रखा है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन फाइव दिया है। क्वेश्चन फाइव में आपको क्या करना है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक फॉलोइंग टॉपिक 150 वर्ड। दोस्तों यहाँ पर 150 वर्ड में आपको यहाँ पर एक किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर पहला दिया है अन इंडियन फेस्टिवल दिया है, बी वाला यहाँ पर दिया है वर्ल्ड ऑफ साइंस दिया है, सी वाले में आपको यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेड दिया है, और डी वाले में दोस्तों आपके यहाँ पर माई हॉबी दिया है। तो आपको चारों में से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन सी से। सेक्शन सी से यहाँ पर पूछा है ग्रामर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी फ्यू। दोस्तों आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से आपको ओनली यहाँ पर 5 क्वेश्चन के आंसर याद करना है। तो इनके आंसर यही से लगा लीजिए, या फिर दोस्तों आपको इनके आंसर और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो पहले में आएगा दोस्तों आपका द आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर एनी आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर अन आ जाएगा, और चौथे में दोस्तों आपके यहाँ पर वेंट आ जाएगा, और पांचवे में दोस्तों आपका मच आ जाएगा, और छठे में दोस्तों आपका हेज आ जाएगा, ठीक है। जिससे आपके यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, डू अस डायरेक्ट एनी फ्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डू अस डायरेक्ट जैसा कहा गया वैसे आपको करना है कोई 5 क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख लिया आपको 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से आपको ओनली दोस्तों यहाँ 5 क्वेश्चन के आंसर याद करना है। इनको उत्तर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक्शन सी दिया है, सेक्शन सी में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। दोस्तों जो टॉमी दोस्तों उसने अपनी दोस्तों ये बुक कहाँ पर प्राप्त की थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर इन हिज हाउस, ठीक है। दोस्तों इसमें आ जाएगा दोस्तों इन हिज हाउस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपको दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन दिया दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें तो आ जाएगा दोस्तों आपका डी वाला इसका राइट आंसर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया तीसरे वाले में आपका क्या आएगा दोस्तों, तो तीसरे में वाले में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपका चौथे यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, तो चौथे में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द अदर ऑफ द लेसन माय चाइल्ड। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, जो माय चाइल्ड लेसन दोस्तों उसने इसको किसने लिखा। तो आपका पहला इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ पर माय चाइल्ड जो लेसन दोस्तों उसको लिखा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पांचवें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो पांचवें क्वेश्चन में राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो पांचवें क्वेश्चन में राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर पहला वाला दोस्तों ए वाला इसका राइट आंसर पांचवें में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके छठे वाला क्वेश्चन दिया है, छठे वाले में क्या है दोस्तों यहाँ पर पूछा है, व्हाट इज द प्लेस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द फॉल्स रेन ऑफ द रोफ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सेट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर इस पेजेस को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इनके आंसर निकाल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो बता रहा हूँ दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पहले में दोस्तों आपके यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पहले का आंसर कहाँ मिलेगा। तो पहले का आंसर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पहले का आंसर यहाँ पर दिया है 2 एंड है
हाल पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरे का आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में दोस्तों आपका सी वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया तीसरे में आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पोइम जैसे यहाँ पर दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख लो दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से देख लेना है, ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना है, वो देख लेना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको सारा पेपर इसी वीडियो में याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों रेन ऑफ सॉरी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा रेन ऑफ द रोफ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों इसका आंसर में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका आंसर दोस्तों आपके इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये बात देख लिया, अब दूसरे पर क्वेश्चन दिया है, दूसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दूसरे में दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये बात देख लिया आपके यहाँ पर तीसरे वाला क्वेश्चन दिया है, तीसरे वाला क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये बात देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी सिक्स। दोस्तों आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 7 में से दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन के आंसर याद करना है। इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देख लिया क्वेश्चन 12 दिया, क्वेश्चन 12 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 and 2। दोस्तों आपके पास 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से आपको ओनली यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर याद करना है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट टाइम मिल जाएगा। अब उसके बाद देख लिया क्वेश्चन 13 दिया, क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 and 2। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन में से आपको दोस्तों ओनली यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर याद करना है, 2 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब देख लिया क्वेश्चन 14 दिया है, क्वेश्चन 14 में आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 17 word and 2। दोस्तों आपको 70 word में 70 शब्द में आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों से आपको ओनली यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर याद करना है, इनके उत्तर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब उसके बाद देख लिया क्वेश्चन 15 दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 में दोस्तों आपको क्या करना है, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रॉफ। दोस्तों आपको इस पोएम का आपको सेंटर आइडिया लिखना है, ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसके अतोला क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इनके उत्तर आपको दोस्तों इनके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए इस पेपर का हमारा 16 क्वेश्चन बचा है, मतलब दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 16 क्वेश्चन। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 16 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया दोस्तों आपको, इनके आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों अब इस पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ फुल सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर दिया है, जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर पेसेस वाला, तो पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपको 1790 से आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथे में दोस्तों आपका यहाँ पर एरोप्लेन आ जाएगा, वो दोस्तों पांचवें में दोस्तों आपका एज ऑफ साइंस आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर या दोस्तों पेसेज के आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका यहाँ पर पेसेज पूछा गया था, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, पहले में दोस्तों यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर दूसरे में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, और तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर चौथे में दोस्तों आपके यहाँ पर डी वाला मतलब फिजिक्स इसका आंसर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर पांचवें दोस्तों आपके यहाँ पर डिस्कवरी आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर नाउन पूछा गया था डिस्कवर का, ठीक है, तो डिस्कवर का नाउन यहाँ पर आ जाएगा, डिस्कवरी आ जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ से आपके पेसेस के कंप्लीट हो गए, टोटल मिला के आपके 10 नंबर यहाँ से आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दोस्तों एक पेसेज दिया गया था, उसमें पूछा गया था आपको टाइटल नोट्स और समरी लिखना था, तो यहाँ पर दोस्तों उस पेसेज का यहाँ पर टाइटल क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बायोगैस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका नोट्स कैसे लिखना है, तो नोट्स आपको इस तरह से लिखना है दोस्तों, पहला बिंदु बना लिया इसमें दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, ये मन से लिखा है, ठीक है, मतलब पेसेज में देखकर दोस्तों लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस दोस्तों आपको क्या करना है, पेसेज में देखकर बस दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नोट्स दिया है, नोट्स के बाद दोस्तों यहाँ पर समरी दिया है, समरी भी दोस्तों आपको यहाँ पर पेसेज में ही स्टार्ट कर लिखना है, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर से यहाँ पर इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर। जो क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने को बोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने को बोला गया था। यहाँ पर देख लीजिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए इस एप्लीकेशन को यहाँ पर याद कर लीजिए। यहाँ पर दिया दोस्तों टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल एमपी। एमपी मतलब दोस्तों आप मध्य प्रदेश सीजी बोर्ड या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आप बोर्ड से हो, ठीक है। जैसे आप एमपी बोर्ड से, इसलिए यहाँ पर एमपी बोर्ड लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर दिया रिस्पेक्टेड सर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट यू डेट आई नी सी ऑफ क्लास नाइन्थ आई एम मूविंग टू अनदर टू टावन भोपाल डेट इज वाई आई विल नीड ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो डेट आई कैंट कंटिन्यू माई स्टडी आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू थैंक यू। नेम और रोल नंबर और क्लास लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। जो दिया गया क्वेश्चन में वही आप कोई सी यहाँ पर एप्लीकेशन में लिखना है, ठीक है। यदि दोस्तों आपके पास कोई और सी यहाँ पर एप्लीकेशन है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखने को बोला गया था, ऐसे लिखने को बोला गया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आंसर तो आपको आपकी बुक से लगा लेना है या फिर दोस्तों आप गूगल या किसी से भी सर्च करके यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ साइंस का यहाँ पर निबंध याद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स था दोस्तों ये बाय मिस्टेक है, ठीक है। अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पर दोस्तों नहीं आया है, इसलिए तो आप इसको बाद में याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपको क्वेश्चन नंबर सेवन दिया था। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना था, ठीक है। तो पहले में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन का पहले में दोस्तों यहाँ पर द आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर एनी आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका अन आ जाएगा, और चौथे में दोस्तों आपका वेंट आ जाएगा, और पांचवे में दोस्तों आपका मच आ जाएगा, और छठे में दोस्तों आपका हेज आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर छह दिए, छह में से आपको ओनली पांच के आंसर देखना है, ठीक है। पांच का आंसर याद करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद दोस्तों इनका आंसर लगा लेना है और याद कर लेना है। और उससे यहाँ पर देख लिया आपको क्वेश्चन नंबर एट दिया था। क्वेश्चन में एट में यहाँ पर पूछा गया था डू अस डायरेक्टेड, जैसा कहा गया वैसा आपको करना था। एनी फ्यू मतलब पांच क्वेश्चनों के आंसर याद करना था। मैंने आपको यहाँ पर छह क्वेश्चन के आंसर दे दिया, आपको क्या करना है, सॉरी दोस्तों आपको पांच के आंसर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर पहला का आंसर दिया है, तीसरे का आंसर दिया, चौथे का आंसर दिया, पांचवे और छठे का आंसर दिया है, ऐसे देख कर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नाइन में यहाँ पर देख लिया दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया है। क्वेश्चन नाइन में क्या पूछा गया दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पहले में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नाइन का पहले में आपका इन द हाउस आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों यहाँ पर डी वाला मतलब स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर ए क्लीन हैंकी आ जाएगा, और चौथे में दोस्तों आपका ए बी जे अब्दुल कलाम आ जाएगा, और पांचवे में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर छठे में दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा लाइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मोड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दस में आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पैसेज जैसे आपको दिया गया था, ठीक है। तो इनका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टेन का यहाँ पर ए वाला का यहाँ पर आंसर दिया है। पहले में दोस्तों आपका सी वाला आ जाएगा, टू एंड ए हेल्प ईयर से आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका सी वाला मतलब बड़ा से बोरिंग आ जाएगा, उसके तीसरे में दोस्तों आपका मैकेनिकल टॉयस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बी वाला का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दस का बी वाला का आंसर यहाँ पर दिया है। पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला मतलब द रोन नॉट टेकन आ जाएगा, और दोस्तों दूसरे में आपका यहाँ पर बी वाला कर्स आ जाएगा, उसके बाद तीसरे में दोस्तों आपका वन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा वन स्पेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको दोस्तों उन क्वेश्चनों के आंसर को याद करना होता है और एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो उनका आंसर भी देख लीजिए, मैं उनको आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11 की यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पर पूछा गया था दोस्तों आपके यहाँ पर आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन एन एस सिक्स है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पहले के यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। व्हाट इज ए टेलीबुक, टेलीबुक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है। इसका आंसर आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और कॉपी में लिख कर दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे का आंसर यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन के साथ भी आपको क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, तीसरे का आंसर भी दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लिया चौथे का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद दोस्तों इनके आंसर याद कर लेना है।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर चौथे के बाद दोस्तों यहाँ पर पांच के यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पांच का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इस आंसर को भी आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर छठे का यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आंसर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर सातों के यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया दोस्तों व्हाट डिड मार्गी राइट इन योर डायरी, जो मार्गी है दोस्तों उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देख लिया इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों में से आपको दो क्वेश्चन के आंसर लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिए, यहाँ पहले का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पहले का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का पहले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको तीनों में से ओनली दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर याद करना है। अब यहाँ पर देख लिया आप क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ पर एनी टू क्वेश्चन का आंसर याद करना था, ठीक है। यहाँ पर देख लो दोस्तों आपको तीन क्वेश्चन दिए गए थे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले का यहाँ पर आंसर दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर दोस्तों पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, इसको अच्छे से आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन 14 के यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया है, तो इस क्वेश्चन को के आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपका दूसरे का यहाँ पर आंसर दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरे का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब दोस्तों हम चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रोप, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया है, इस आंसर को आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर दोस्तों आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेकर दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसका अतोले क्वेश्चन का भी आप आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको दोनों में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिए जो हमारा 16 क्वेश्चन था दोस्तों उस पेपर का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर दोस्तों आपका यहाँ तक इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों इसका आते वाला क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये हमारे यहाँ पर इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया है, और दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर 16 तक संपूर्ण उत्तर आपको संपूर्ण यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, जिससे दोस्तों आप त्रैमासिक परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि वो भी इस पेपर को अच्छे से पढ़कर परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाइए। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर मिल जाएंगे, इसलिए तो आप चैनल के अंदर जाकर दोस्तों सभी यहाँ पर पेपर याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।